हेलो एवरीवन, अब हम ब्रूस्टर्स लॉ को पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सब आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। ब्रूस्टर्स लॉ में क्या होता है कि इन 1811 में सर डेविड ब्रूस्टर्स परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द रिफ्लेक्शन यूजिंग द डिफरेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। मतलब डिफरेंट सरफेसेस ली, उस पर लाइट उन्होंने फेंकी और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापिस आई उसको उन्होंने स्टडी किया। कहते हैं ही ऑब्जर्व दैट फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन एज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, यही सबसे खास बात है इसमें, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज विद द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। सोचिए क्या कहा गया कि जब उन्होंने लाइट किसी सरफेस पे फेंकी तो एक खास एंगल के ऊपर, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, जैसे उन्होंने लाइट, ये है ना कि ये नॉर्मल होगा किसी भी सरफेस का सीन है, लाइट उन्होंने ऐसे डाली फिर ऐसे करी कैसे भी किसी भी एंगल पे और नई नई यहां से लाइट आगे को बढ़ेंगी, तो एक खास एंगल के ऊपर उन्होंने, हो सकता है इस एंगल पे जो लाइट नीचे टकराई फिर वहां से ये लाइट आगे बढ़ गई, ये लाइट बिल्कुल प्लेन पोलराइज थी। ये मतलब एक बस कहते क्या है, he observed that for a particular angle of incidence known as angle of polarization the reflected light, जो ये वाली reflected light है, ये वाली reflected light है is completely plane polarized with plane of vibration, इसमें जो plane of vibration होंगे वो perpendicular होंगे to the plane of incidence। अब थोड़ा याद करिए ना, plane of vibration क्या होता था, plane of incidence, ये मैंने बनाए होंगे कहीं फिगर, हाँ ये है देखिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये जिसके अंदर वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस जिसमें आपका इंसिडेंस हो रहा है। खैर अभी देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द पोलराइजेशन आई पी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट का मतलब यहाँ पे टी एन टेन है, जैसे कॉट टेन होता है वो, कि टेंजेंट अगर हम ले लें एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिस एंगल पर लाइट, देखिए अब सब साफ हो जाएगा इस फिगर से, अगर हम ये देखें ये लाइट नीचे जा रही है सीधे, ये जो टकराएगी नॉर्मल से किसी खास एंगल पर टकराएगी वही एंगल अगर आई पी है तो, वो खास एंगल अगर आई पी है तो, हाँ अगर लाइट किसी एक खास एंगल पर टकराती है उसका नाम हम आई पी दे देंगे, अगर मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिसके ऊपर टकरा के जब लाइट आगे को बढ़ेगी रिफ्लेक्टेड लाइट वो आपकी प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। यहाँ पे दोनों तरीके के वाइब्रेशन मौजूद हैं और यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बोल दिया, हमने कहा द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम, हाँ अकॉर्डिंग टू द ब्रेविस्टर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन आई पी, जस्ट अ मिनट, the tangent of the angle of polarization IP is numerically equal to the reflected index, reflective index mu, this is mu of the reflecting medium, this is called Brewster's law and is given by mu is equal to 10i। बिल्कुल सिंपल होता है, वो एंगल जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट होने पर प्लेन पोलराइज हो जाती है उसका 10 लेने पर वो म्यू के बराबर आएगा। व्हाट इज म्यू, म्यू इज द आरआई ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो इसकी आरआई है वो आपका म्यू होगी। ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ से और भी कुछ मिलता है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट ए पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड रेज आर perpendicular to each other, this is the reflected ray, this is जो नीचे जा रही है ray, इस प्रकार से ये जो ray नीचे जा रही है ये क्या है कि ये आपकी refracted है और ये कौन है, ये reflected है, ये दोनों आपस में perpendicular होती। देखिए इसमें भी कुछ और भी बताने का है, नहीं मैं बताऊंगा पहले मैं ये प्रूफ कर दूं पहले कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे। कहता है सपोज बीम ए बी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास सरफेस एट द पोलराइजिंग एंगल आई पी, ये है पोलराइजिंग एंगल आई पी पे आके लाइट इस शीशे के सरफेस पे ग्लास पे ऊपर गिरती है, द आई पी रिफ्लेक्टेड अलोंग अलोंग बी सी, ये आने वाली लाइट जो है It is reflected along BC and refracted along BD as shown in the figure. Then from the Brewster's law, mu बराबर तो 10 IP होता है, 10 क्या होगा sine upon cos. Also from the Snell's law, mu is equal to sine IP आने वाला angle बटे sine R. ये एक साथ ही हैं दोनों sine IP upon sine R.
अब म्यू की वैल्यू जो आपने यहाँ ऊपर निकाली है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। ये करने के बाद ये सब एक साथ है, इन्होंने थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ के लिखा है, ये म्यू की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। अब नीचे कॉस है तो मैं कॉस को लिख सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, सामने सब सही है। साइन आई पी से आई पी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आमने सामने आएंगे, इनको कंपेयर कर लीजिए पाई बाई टू माइनस आई पी आर, तो कितना फर्स्ट क्लास रिजल्ट आता है कि आई पी प्लस आर का जो सम है वो पाई बाई टू के बराबर है। तो आई पी और आर का सम पाई बाई, अब देखिए ना ये टोटल जो लाइन है ये तो नॉर्मल है, ये 90 डिग्री का है, इसमें ये आई पी है और ये आर है। सोचिए ये ऐसे है ये ऐसे, मैं वहां नहीं बिगाड़ना चाहता था, ये लाइन आई ये कितना है कहिए, ये तो आई पी है और ये भी आई पी है, दोनों बराबर आई पी। अब यहां जो लाइट जा रही है वो आर एंगल बनाती है, ये टोटल एंगल है कितने का 180 का। अब 180 में से आई पी माइनस आई पी प्लस आर घटाएं तो क्या मिलेगा, ये एंगल आ जाएगा, ये जो बीच का एंगल है वही ऊपर वाला आई पी नीचे वाला आर, इन दोनों को जोड़ के घटा दें। और अभी अभी आपने पढ़ा आई पी प्लस आर तो पाई बाई टू है, जैसे ही यहाँ पे आप पाई बाई टू रखेंगे 90, तो 180 माइनस 90 ये भी कितने के बराबर आएगा कहिए, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है, ये बनाए रखा है 90। सोचिए कि आई पी और आई आर का सम अगर 90 है तो टोटल यहां से यहां तक में अगर मैं घटा दूं तो ये बीच का एंगल 90 मिलेगा, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये 90 डिग्री। Also NB n dash pi यही बता रहे हैं, यही NB n dash pi है। So IP plus CBD plus R, देखें IP ये एंगल plus CBD ये C ये B और ये D, ये एंगल और plus R एंगल, तीन एंगल जोड़े हैं, देखें ये वाला भाई, ये हुआ IP, ये हुआ CBD और नीचे वाला एंगल जो हुआ वो R, तीनों का जो सम है वो कितने के बराबर है पाई, तो सीबीडी कितना हो जाएगा पाई माइनस इन के बराबर, तो इनका जो सम है अभी पाई बाई टू, तो इसलिए प्रूव होता है कि ये पाई बाई टू। तो दैट इज एट पोलराइजिंग एंगल रिफ्लेक्टेड रे इज एट राइट एंगल टू द बूस्टर्स लॉ की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, यही बस सबसे खास यही बात होती है। अच्छा अभी और देखिए, फिलहाल बहुत सारी किताबों में यहीं पे बंद कर देते हैं, 12 में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे खत्म हो गया होगा। अभी और देखिए, बूस्टर्स लॉ आल्सो अप्लाइज व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट द सरफेस ऑफ द रेयरर मीडियम। देखिए साहब रेयरर मीडियम, अभी तो डेंसर मीडियम पे यहाँ टकरा रहा था, अब रेयरर मीडियम पे टकराएगा नीचे। तो दिस इज दस इफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अपर फेस ऑफ द पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब At the polarizing angle, the reflected ray will also meet the lower surface of the slab. अब reflected ray जो है नीचे जाके lower part पे slab की मिलती है, मिली रही है। At polarizing angle पे, it may be seen from the figure that the angle of incidence and reflection at the lower surface are R and IP. मतलब it may be seen, ये देखा जाता है कि जब ये ऊपर IP होता है तो यहाँ पे ये एंगल R होता है जो ये वाला होता है, लेकिन जो बाहर निकलती वाली रे है ये दोबारा IP, ये तो सिंपल लॉ होते हैं कि बराबर ही होता है, तो फिगर सही नहीं बना, जिस एंगल पे ये आ रहा है बिल्कुल ये इसके पैरेलल होना चाहिए, जब तो IP और IP ये बराबर होंगे, खैर कोई बात नहीं है वो बन जाता है थोड़ा सा गप में। तो हेंस रिफ्लेक्टिव लोअर सरफेस ऑफ R एंड IP रेस्पेक्टिवली, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम एयर विल रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम ग्लास। अब हवा में आ गई लाइट, अब हवा में जब लाइट आई तो यहां से और यहां पे जो म्यू होगा कैसे होगा, ऊपर म्यू था तो यहाँ पे वन अपॉन म्यू होगा, वहां पे आपने लिखा तो म्यू बराबर साइन आई पी अपॉन साइन आर, यहाँ क्या लिखेंगे आप, वन अपॉन आर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई पी एंड टेन आर इज इक्वल टू साइन आर अपॉन कॉस आर, ये तो होता ही है, इसमें टेन आर की वैल्यू, इसमें आप साइन आई पी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा ये धुंधला है लेकिन दिख रहा है, साइन आर अपॉन साइन आई पी हो जाएगा और साइन आई पी अपॉन कॉस आर, इस कॉस को सिर्फ इधर लिख लेंगे और कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन आई पी और आर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आई पी और आर एक दूसरे कम, अगर 130 तो 160, 160 तो 130, दोनों को पाई बाई टू में से घटा के निकाला जा सकता है, लेकिन आपको पता है साइन 30 और कॉस 60 तो बराबर होते हैं,
या cos आपका 45 और sin 45 बराबर होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो पाई बाई टू करने पे आते हैं, तो ये तो बराबर है, तो अगर ये बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो IP और R, तो ये फिनिश, क्या बचेगा, sin R अपॉन sin IP जो कि कितने के बराबर आ गया, 1 अपॉन म्यू के, तो यही tan R 1 अपॉन म्यू, thus R is the angle of polarization for the lower face of the slab, नीचे R जो है वो angle of polarization है, लोअर सरफेस पे यहाँ पे, और ऊपर कितना था वो आईपी था, यहाँ पे आर है तो उल्टा हो गया ना, एट द लोअर, हेंस लाइट रिफ्लेक्टेड एट द लोअर फेस इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड व्हाइल द रिफ्लेक्टेड, नहीं क्या हो गया, ये तो रिफ्लेक्टेड है और ये क्या है, रिफ्रेक्टेड इनटू द एयर, जो हवा में आगे बढ़ गई, इज पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड, यहाँ बूस्टर्स लॉ खत्म हो जाता है। इसमें देखिए अभी दो एक बातें हैं, लास्ट लाइन के बारे में भी जिक्र करूंगा, पहले तो कहिए कि बूस्टर्स ने क्या करा था 1811 में, कहिए इन्होंने पोलराइज्ड करने का तरीका निकाला लाइट के, जब लाइट किसी खास एंगल पर, जिसे आईपी कहते हैं, जब टकराती है किसी आपके रेयरर मीडियम के ऊपर, तो रेयरर से आपके यहाँ पे आपके मतलब सघन होता है और एक विरल होता है, सघन माध्यम पे टकराती है, है ना, डेंसर मीडियम पे आके, तो जब वो आगे को बढ़ती है तो वो प्लेन पोलराइज हो जाती है, तो जब रिफ्लेक्ट होती है, और जो नीचे रिफ्रैक्टेड होती है और रिफ्लेक्टेड का एंगल 90 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो सिंपल सी बात थी, और म्यू बराबर टेन आई पी होता है, और ये बाद में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, तो खैर जो भी था ये हम सब पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ बातें रह गई। ये जो अनपोलराइज लाइट है, जब टकराई तो प्लेन पोलराइज हुई, यहाँ जो लाइट गई इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो गई यहाँ पे अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्जन मिलते हैं, तो ये नीचे लाइट जाती है, ये पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड दोनों हो सकती है, ये पार्शियली पोलराइज्ड कहलाती है, तो इसमें आप एक अगर यहाँ पे डॉट्स लगा भी दें तो कुछ परेशानी की बात नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप डॉट लगाएं, जब लाइट टकरा के लौटेगी तो फिर 100% पोलराइज्ड होगी, लेकिन जो बाहर निकल कर जाएगी वो अनपोलराइज्ड होगी। ये पोलराइज्ड भी हो सकती है ये वाली लाइट, और ये वाली भी, और ये अनपोलराइज्ड भी हो सकती है, इसे पार्शियली पोलराइज्ड कहते हैं, दोनों काम इसमें हो सकते हैं, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल में, ग्लास, ग्लास के भी कई प्रकार होते हैं, हमें पढ़ रखे हैं, फ्लिंट होता है, क्राउन होता है, और भी होते हैं, तो फिलहाल इसे याद रखें ये दोनों, इसीलिए लास्ट लाइन में एक बार आपने ध्यान दिया कि मैं हवा में जब जाती है तो वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड है, तो पार्शियली प्लेन अगर पोलराइज्ड है तो ये जो यहाँ पे जा रही है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड, तो अगर यहाँ पे हम डॉट ना लगाएं और ये ना खींचें तो 100% प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी। हाँ, जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये 100% पोलराइज्ड, ये भी पोलराइज्ड, ये भी पोलराइज्ड। तो मेन बात क्या थी इसमें कि ऊपर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो अगर रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे होगा अगर आई पी होता है तो ये प्लेन पोलराइज्ड होता है, और अंदर लोअर सरफेस पे यहाँ पे एंगल जो है आर जो है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है यही पोलराइजिंग का एंगल बनता है, और दोनों ये यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बहुत अच्छे से तैयार करिएगा इसको, और जो बात समझ नहीं आए मुझे फोन करके पूछिएगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आता है लॉ ऑफ मैलस। इट वाज फाउंड बाय मैलस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम वेरीज विद द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब ये क्या बवाल हुई, अब आपसे परसों जो जिस दिन भी बात हुई थी उसमें कहा गया था कि ये आपका और ये, हमने क्या करना है कि ये आपका था, एक मिनट रुकिए, ये हमने क्रिस्टल बनाया, लाइट यहां से इसमें आएगी, ये अनपोलराइज्ड लाइट होगी जो इसमें जाएगी, और जब इसमें जाएगी और जब यहां तो चारों तरफ को उसमें वाइब्रेशन हो रहे होंगे हर दिशा में, इधर भी और भी चारों तरफ, लेकिन जब लाइट इसमें से निकल कर जाएगी तो बस वो प्लेन पोलराइज हो जाएगी, जहां कट होगा इसके अंदर उसी में से लाइट निकलेगी और उसी तरफ के वाइब्रेशन बाहर निकल कर आएंगे, यही वाइब्रेशन अगर इसमें से भी निकलते हैं तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो 100% लाइट बाहर आ जाएगी। जस्ट ए मिनट, 100% लाइट बाहर आ जाएगी, तो ये जो है ये तो है आपका पोलराइजर कहलाएगा और दूसरा वाला जो है वो एनालाइजर कहलाएगा, तो प्लेन ऑफ पोलराइजर ये जो लाइन है ये वो यहाँ पे ये दिखाई गई, ये एनालाइजर। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करा दूंगा, मेरे लिए फिगर बनाना यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है,
ये मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करा दी। अब ये जो यहां से लाइट पोलराइज निकल कर आई, उसमें जो ये वाइब्रेशन है, यहां तो पैरेलल थे, 100% बाहर निकल आए, अब ये 100% बाहर नहीं आएंगे, कुछ कट जाएंगे। और ये बिल्कुल ये पोलराइजर है, ये पी से शो कर दूं, ये एनालाइजर है ए से शो कर दूं, अगर पी और ए आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, इसका ये एक्सिस जहां पे कट है इसमें, इसका ये एक्सिस जहां पे कट है, एक दूसरे के 90 है, तो लाइट जो बाहर निकल कर आएगी वो जीरो, कुछ भी नहीं निकलेगी। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो 100% लाइट आएगी, और थोड़ा थोड़ा मुड़ जाएगा, 10 डिग्री पे एंगल घूम गया तो थोड़ी सी लाइट निकल कर आएगी, और 90 डिग्री पे घूम गया तो लाइट कट हो जाएगी। तो बस यही है कि पढ़िए, इट वॉज फाउंड बाय द मैलस दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम वेरीज विद द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों में द लॉ ऑफ मैलस स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर, ये है आपका एनालाइजर से जो लाइट निकल कर बाहर जाएगी, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। एनालाइजर और पोलराइजर के बीच का जो एंगल होगा, इनके बीच में और इसके बीच में, यहाँ पे पूरे फिगर नहीं बनाए गए सर, इसकी जगह ये एक लाइन ले ली गई है जहां पे लाइट पोलराइज हो रही है, ये दूर होगा, इनको आपस में करीब करीब बना दिया है कि ये तो हमने एक्सेस बोला पोलराइजर का और ये एक्सेस बोला एनालाइजर का, ये वाला करीब बना दीजिएगा, ये इसके बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो कहता है कि निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी इस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, तो आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। खैर, द ड्राइव ऑफ रिलेशन, हम अब यहाँ पे रिलेशन को ड्राइव करेंगे। अब इन्होंने क्या लिख दिया, डेरिवेशन ऑफ द रिलेशन जो भी है, लेट अस सपोज दैट एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड द एनालाइजर एट एनी इंस्टेंट इज थीटा, किसी भी पर एंगल जो है वो थीटा। लेट ओपी, ये ओपी रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द इमर्जेंट प्लेन पोलराइज लाइट, देखिए पूरी लाइट यहीं से तो निकल के बाहर आएगी, यहां से इस जगह से लाइट बाहर आ रही, तो यहां ये एम्पलीट्यूड है उस लाइट का, मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड कितना है ए। अब इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, यहां एंगल थीटा है तो इधर को कंपोनेंट ए कॉस थीटा और इधर को कंपोनेंट ए साइन थीटा। कहता है एम्पलीट्यूड ओपी बराबर ए कैन बी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट क्या क्या होंगे, कहिए वो होगा ए कॉस थीटा ओ ए, देखिए फिगर में ओ ए कहां है और आप देखिए ओ बी कहां है, वो ए साइन थीटा है respectively along and perpendicular to the plane of transmission of the analyzer as shown in the figure. Analyzer ke plane ke saath a cos theta hoga aur a sin theta uske perpendicular hoga. To the parallel component kaun sa hai, component hai a cos theta is transmitted by the analyzer, a cos theta hi analyzer se bahar niklega aur a sin theta cut ho jayega, while perpendicular component a sin theta is reflected, wo nahi jayega. Thus intensity of the transmitted light, jo a cos theta kiske andar aa gaya hai, plane of analyzer mein kyun aaya hai, because the theta angle plane of analyzer ka jo ye angle hai ye theta hi tha, iske sath dono ke beech ka angle theta hai, to jo a cos theta component tha wo bahar nikal kar aa jayega, to i theta kisi ek khas theta pe a cos theta ke square ke barabar hoti hai. ये आपने मतलब ये उनका रूल है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, ये आपने लगाया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो बस ए स्क्वायर जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था इंटेंसिटी के बराबर होता ही, तो जहां पे लिख दिया है आई जीरो है, ये थीटा नहीं है, आई जीरो ए स्क्वायर द इंटेंसिटी ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, दस आई थीटा किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल है, व्हिच इज द लॉ ऑफ मैलस। अब आप कहिए ना आगे, अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है, वन, तो मैक्सिमम लाइट निकलेगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था दोनों पैरेलल हैं तो मैक्सिमम लाइट बाहर निकलेगी। देखिए दो दो बार सुनिए, तीन तीन बार सुनिए, एक बार में बात समझ में सारी नहीं आती, वो तो दो तीन बार आप सुनेंगे और खुद भी सोचेंगे तब समझ में आएगा। और ये फिगर्स को ध्यान में रखिए, जहां से शुरुआत हुई थी उसको पढ़िए बार बार और कॉपी पे लिखिए इसको, तो बस ये मैक्सिमम लाइट बाहर है। दिस लॉ होल्ड्स व्हेन इंसिडेंट लाइट ऑन द एनालाइजर इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड, पहली बात तो लाइट कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होगी, अगर प्लेन पोलराइज्ड है ही नहीं, चारों तरफ को वाइब्रेशन है, तो आप एनालाइजर को कितना ही घुमा लीजिए,
उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर ये हर तरफ दोलन हो रहे होंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा इसके पैरेलल, पूरी लाइट बाहर निकल आएगी 100%। ये तो सिर्फ पोलराइज लाइट के लिए ही रूल लगा होता है। इफ इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज्ड देन वी हैव टू पुट एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा ओवर द ऑल पॉसिबल थीटा, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा पे, तब हम उस पर बार लगा देते हैं ऐसे करके, और आई थीटा बराबर हाँ, क्योंकि जब वो घूमेगा तो एक कंपोनेंट उसका कट होगा, एक हमेशा बाहर निकलता रहेगा। खैर, ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम व्हेन कॉस के, क्योंकि एवरेज जो होता है हाफ होता है, मिनिमम जीरो मैक्सिमम वन, तो हाफ हो जाए। फिर व्हेन प्लेन पोलराइज एंड पैरेलल, जब मैक्सिमम तब निकलती है जब पैरेलल होता है। और आल्सो इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट इज जीरो व्हेन टू प्लेन्स आर राइट एंगल टू ईच अदर। ये कोई खास बड़ी बात नहीं थी, बार बार शुरू से ही कहा जा रहा था। छोटा सा न्यूमेरिकल है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए सर्टेन मटेरियल इज 60 डिग्री पे है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड थी, फाइंड आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एंड आल्सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड इफ लाइट इज इंसिडेंट एंड पोलराइजिंग एंगल। भाई कंप्लीटली पोलराइज तभी होगी जब बूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, तो फ्रॉम बूस्टर्स लॉ ये होता है। तो यहाँ पे लाइट तो 60 डिग्री पे है और प्लेन पोलराइज्ड है, तो आई पे ही 60 है, ये तो गिवन है, इसमें 60 डिग्री पे है और कंप्लीटली पोलराइज्ड है, तो ये तो खुद ही छुपा है कि बूस्टर्स लॉ को बात करता है। तो 1060 यहाँ पे आई पी 60 हो गया, तो म्यू बराबर 1060, आपने एक झटके में म्यू निकाल दिया। सो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन पूछ रहा है वो पाई माइनस इतना, अभी तो पिछले पेजेस पे ड्राइव करा है, बस इसको यहाँ पे लिखिए। और ये पाई बाई थ्री से मत डरिए भाई, ये 60 है ना, तो बस आपका आर बराबर भी पाई बाई सिक्स हो जाएगा और वो 30 डिग्री। ये कोई इतना बड़ी बात आई नहीं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो उससे पूछिए। इस वक्त अब इतना ही रखिए, मैं अब थोड़ा तेज भगाना है फिजिक्स को, लेकिन इसमें देर लगती है। ये आपकी जो फिजिक्स है, आपकी फोर्थ सेम की, ये बहुत ही रुलाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कितनी देर हो जाए बोलते बोलते, और ज्यादा हम आगे बढ़ नहीं पाते। कितनी देर हो गई इसको, 22 मिनट हो गया, देखिए एक ही दो टॉपिक के। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको कॉपी में लिखिए और तैयार करिए।